ग्वालियर चंबल अंचल के पुरानी शिक्षण संस्थानों में शुमार मध्य भारत शिक्षा समिति द्वारा 23 जुलाई को पार्वती खेल अकादमी के साथ चिकटेजी खेल संकुल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के साथ पूर्व सह कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेश सोनी भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि 21 जुलाई 1941 से संचालित मध्य भारत शिक्षा समिति के द्वारा आधा दर्जन से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित की जा रही हैं, जिसमें माधव महाविद्यालय के साथ पार्वती गोखले विज्ञान महाविद्यालय भी शामिल है, जहां से अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा साबित कर चुके हैं। यही कारण है कि खेल अकादमी के शुभारंभ कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक तैराक, भारतीय विश्वविद्यालय क्रिकेट खिलाड़ी, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 13 लोगों का सम्मान किया जाएगा। 21 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं मध्य भारत शिक्षा समिति का, वो इस वर्ष 23 जुलाई को मनाने का आज तय किया है। इस अवसर पर हमारा जो हमने एक खेल परिसर पार्वती खेल अकेडमी ऐसी एक इसको नई यूनिट हमने प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन, और यहाँ पर जो परिसर बना रहे हैं उसको चिकटेजी खेल संकुल इस नाम से उस परिसर का है वो नामकरण किया, उसका भी लोकार्पण कार्यक्रम होगा। उस खेल परिसर में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ है, जैसे कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और अन्य प्रकार की जो योगा है, ठीक है ना, इस प्रकार के तो नियमित रूप से चलेंगे ही। आगामी योजना है कि उसमें हम अन्य भी कार्य प्रारंभ करें, जैसे शूट राइफल शूट का है, कोई अन्य करों का भी हमारे को योजना है, वो भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 23 तारीख को शाम को 5:30 बजे शनिवार के दिन ये कार्यक्रम हमने रखा है। मुख्य अतिथि कौन है? इसमें मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता के रूप में अपने श्री प्रोफेसर कप्तान सिंह जी सोलंकी, जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं अपने हरियाणा के, वो रहेंगे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह पूर्व के श्री सुरेश जी सोनी, वो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहने वाले हैं, उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम पर अवसर पर हम अपने जो अभी बताया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हमारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ चुके हैं उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। उनमें से काफ़ी लोगों की हमको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उस दिन वो लोग यहाँ उपस्थित भी रहेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।